अक्षय कुमार लगातार सोशल मुद्दों पर फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे इन मुद्दों की बात सिर्फ फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही नहीं करते बल्कि आगे भी उनसे जुड़े रहते हैं। अक्षय ने खुले में शौच को रोकने और इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई थी। उनका कहना है कि वे इस मुद्दे से अभी भी जुड़े हैं। अक्षय अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुंबई के जुहू बीच पर टॉयलेट बना रहे हैं ताकि लोग यहाँ वहाँ खुले में शौच न करें। अक्षय ने कहा, मैं फिल्म रिलीज के बाद मुद्दों को नहीं भूलता हूँ। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जुहू बीच पर, जहाँ मैं रहता हूँ, टॉयलेट लगा रहा हूँ। मैंने टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म में काम किया था, लेकिन हम अभी भी उस पर बात कर रहे हैं। टॉयलेट बनाने के बाद मुझे लगा कि पीरियड जैसे विषय पर भी बात होनी चाहिए, इसलिए मैंने पैडमैन बनाई। अक्षय की पैडमैन 9 फरवरी को रिलीज हुई है, लेकिन इस फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक कारोबार नहीं किया है। फिल्म ने दूसरे सप्ताह यानी कि रविवार को 72 करोड़ कमाए, दूसरे शुक्रवार को 2.25 करोड़ रुपए, शनिवार को 3.25 करोड़ रुपए। अक्षय की इस फिल्म पर भी सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या ये फिल्म फ्लॉप हो गई? देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।